गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है एक नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यार आज मौसम अजीब सा हो रखा, बहुत ठंडी सी हवा चल रही है और मतलब बीमार करने वाला सीज़न सा आ गया है ये। यही वो मौसम है भाई जो दुनिया भर की बीमारियों को बुलावा देता है। सर्दी, जुकाम, बुखार, वायरल फीवर या और भी कई तरह के संक्रमण जो होते हैं उनको बुलावा देता है। तो ऐसे में थोड़ा सा बच के रहें, कपड़े वपड़े पहने अपने, क्योंकि दिन में गर्मी हो जा रही है, रात को पूरी ठंडी बर्फीली हवा चल रही है। और ये बर्फीली हवा इसलिए चल रही है क्योंकि कई जगह जो है हेल स्टोन्स आए हैं जिनकी वजह से मौसम एकदम से ठंडा हो रखा है। तो इसलिए कपड़े वपड़े अपने अच्छे से पहन के रखें, इस तरह से जो है गुड़मुड़ाते ना फिरें। ये ना सोचें कि हाँ इसको इग्नोर कर लो, बियरेबल है तो चलो चलने तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये बियरेबल तो है लेकिन ये ठंड लगेगी बहुत जल्दी, नुकसान बहुत करेगी, इसलिए इससे बच के रहना। और दुनिया भर की बीमारियाँ आएंगी, वायरल अगर फीवर आ गया इस टाइम पे तो मान लो हफ्ते 10 दिन के लिए आप गए काम से, क्योंकि वायरल जनरली एक हफ्ता तो ले ही लेता है। कभी बुखार उतर रहा है, कभी चढ़ रहा है, और उसके साथ ही फ्लू भी फैला हुआ है। उसके साथ साथ अब कोरोना वायरस के भी केस जो हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहे हैं। आप लोगों ने देखना बंद कर लिया लेकिन देख लीजिए एक बार उस पर भी नज़र मार के। इसलिए देखो यार, बीमारी ठीक है, नहीं हो रही, नहीं चल रही कोई भी बीमारी, सारी ठीक है सब, लेकिन हल्के में लेने की कोई बीमारी नहीं है। अब लोग कोरोना वायरस को बड़ा कैजुअली लेने लगे, लेकिन ये बात भी सच है कि कोरोना वायरस का आज तक कोई इलाज आया नहीं है हमारे देश में, और ना ही मेडिकल फैसिलिटीज जो हैं वो आई हैं, इतनी अपग्रेड हुई है कि उस चीज़ को हैंडल कर लें। तो इसलिए भाई बचाव में ही रखो। अब देखो यार, जान तो बुखार भी ले जाता है, जिसका इलाज है, जिसकी दवाई है हमारे पास। बहुत सारे लोग फीवर से मर जाते हैं, दुनिया भर के कई तरह के फीवर चल रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप की बॉडी किस की हेल्थ किस स्टेट में है, क्या मतलब कितनी इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग है। इसलिए किसी भी चीज़ को कैजुअली ना लेके और भाई सीरियसली ले लो थोड़ा सा। इस भाई की रिक्शा फंस गई यहाँ पे, अब सोच के देखो कितना गहरा गड्ढा होगा और ये कितनी तगड़ी चोट मार सकता है। हद है यार, मतलब इतनी कॉमन सेंस नहीं है लोगों के अंदर कि रास्ता रोक के खड़े हो जाएंगे। ये नहीं कि साइड में लगा लो, पता नहीं क्या है ये चला समझ के लाइसेंस देते हैं लोग इनको, एक दिल की तमीज नहीं है लोगों के अंदर। मतलब कहाँ से जाएगा, जब अगर निकलने की जगह नहीं मिलेगी तो वो कहाँ कहाँ जाएगा बेचारा, कहाँ से निकले। जाम तो लगेगा ही अपने आप ही, पता नहीं लोग क्या खा के चलते हैं। और पानी भर गया भाई साहब यहाँ पे अब, और
वेरी गुड। जल्दबाजी इतनी रहती है लोगों को कि कोई रुकता नहीं है भाई साहब। मतलब लोगों को दो चार मिनट रुकने की भी शांति नहीं है, इतनी स्पीड में रहते हैं लोग। बेशक चोट लग जाए लोगों को, लेकिन लोगों को कोई मतलब नहीं है रुकने से, कोई मतलब क्या ही कहें ऐसे। मतलब आगे निकलने के लिए लोग मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं इस तरह से, जैसे पता नहीं कहाँ भागे जा रहे हैं भाई। क्या इतनी बड़ी इनपे दिक्कत आ गई, कौन सी आफत आ गई पता नहीं। और कितना भी कर लो लोगों को, कुछ भी समझा लो, लेकिन कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है। पता नहीं कौन से उसमें रहते हैं, कौन सी दुनिया में रहते हैं, कौन सी स्टेज का इंफॉर्मेशन यूज करते हैं लोग। ये देखो पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले का लखनऊ में क्या है, डबल चलान है, ठीक है। है तो ये होमगार्ड वाले, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उतनी ही बनती है ना, क्योंकि ट्रैफिक रूल रेगुलेशन फोर्स में तो आ ही जाते हैं ना ये लोग। इन लोगों को बराबर की ड्यूटीज डाइल्यूट होती है, तो जिम्मेदारी तो उतनी ही बनती है ना भाई पुलिस वालों की भी। आम आदमी को ही कहाँ निपटाने पर उतरे रहते हो, बस आम आदमी को मार दो चलान भरवा भरवा के। और चलान भी ऐसे उन्हें पुने काट देंगे भाई सारी चीज़ों के। अभी पीछे एक वीडियो वायरल हुई थी, मेरे ख्याल से गाजियाबाद हाईवे की थी या पता नहीं कौन से की थी, जहाँ पे रोड पे साइड में खड़ी करके कुछ लोग जो है दारू पी रहे थे, तो वो साइड में खड़ी की फ़ोटो आई थी, उसके ऊपर दारू पी रहे थे वो लोग। तो दारू पीते पीते उनका ऐसी चीज़ों का चलान काट रखा था कि भाई जैसे रैश ड्राइविंग का, दूसरे की जान खतरे में डालने का, इस तरह के चलान काट रखे थे भाई। चलती गाड़ी में अगर पी रहे होते तो चलान कटते, अब कोर्ट में जाके अगर उनको चैलेंज कर देगा कोई तो वो वैसे ही क्वेश हो जाएंगे, क्योंकि पुलिस प्रूव ही नहीं कर पाएगी कि ये दारू पी के गाड़ी चला रहे थे। दारू पी के गाड़ी चलाना और खड़े रहना, खड़े होके दारू पीना, दो अलग अलग चीज़ें हैं। उसमें सिंपल सा एक डिस्ट्रिक्ट का रूल होता है या जो भी स्टेट के रूल होते हैं, अलग अलग इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं, तो उसमें सिंपल सा होना क्या था, ये होना था कि भाई कुछ स्टेट्स में 25,000 रुपये का चलान है पब्लिकली दारू पीने का, कुछ में 50,000 रुपये तक का चलान है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना था उसमें, 50,000 रुपये का पब्लिक प्लेस में दारू पीने का चलान कटना था। और इसके अलावा क्या कर रहे थे वो, कोई और वो जो उन्होंने ट्रैफिक पुलिस वालों ने चलान काट के जो पोस्ट किया था, उस चलान के अंदर और कुछ था ही नहीं। क्या था उसके अंदर भाई, गाड़ी चल रही होगी, अगर मूव कर रही होगी दारू पी के, या उसके अंदर दारू पी रहे हैं चलती गाड़ी के अंदर, तो वो बनता है कि हाँ ये गलत किया। लेकिन खड़ी गाड़ी के अंदर क्या ही बनेगा, खड़ी गाड़ी के बोनेट के ऊपर बेशक वो दारू पी रहे थे, लेकिन उसको ठीक है दारू पी रहे थे वो एक क्राइम हो गया, लेकिन उसके बाकी की जो धाराएं लगा रखी हैं उनको कहाँ पे प्रूव करोगे भाई, कैसे प्रूव करोगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि खड़ी हुई गाड़ी का कोई चलान नहीं कटेगा, हर एक उसका वीडियो एविडेंस होना चाहिए, तो वीडियो एविडेंस होगा नहीं और चलान उसका कटेगा नहीं, तो कैसे कटेगा बताओ। ऐसे ही बाइक्स के चलान काट दिए जाते हैं, RC प्रेजेंट नहीं थी, पोल्यूशन नहीं था, ये नहीं था, पता है कोर्ट में जाके कोई दिखाएगा नहीं, और वैसे चलान काटना है उतने का काट दो अपना। तो बहुत से केसेस के अंदर ऐसा होता है कि लोग डर जाते हैं इस चलान देख के। अब गाड़ी अगर है तो उसका नंबर है तो उसकी RC भी होगी, मोटा चलान कटता है RC का और इंश्योरेंस का कटता है, उसके बाद पोल्यूशन का कटता है। तो अगर ये चीज़ें वो पुलिस वाले काटते हैं, 25-30 हज़ार रुपये के चलान कटते हैं, वो कटते हैं, ये तीनों चीज़ें दिखा देते हैं कि अवेलेबल नहीं थे उस टाइम पे, मतलब प्रोड्यूस नहीं कर पाया चेक करने के लिए, तो मेन मुद्दा आके वहाँ फंस जाता है।
उसके बाद भी आपके पास ऑप्शन बचती है कि भाई चलो नहीं भर पा रहे, अगर आपके पास वो तीनों में से कोई भी चीज़ है या वो तीनों ही चीज़ें हैं तो जाके आप एक मिनिमम सा फाइन देके अपनी बाइक को छुड़वा सकते हो, चलान को कैंसिल करवा सकते हो। सिंपल सी बात है, उसमें डरने की कोई बात ही नहीं होती।